अगली खबर अंबाला से, जहां अंबाला में देर रात टिम्बर मार्केट में आग लग गई और देखते ही यह भीषण आग में बदल गई। आग ने जमकर तांडव मचाया और लकड़ी के एक गोदाम को पूरी तरह से खाक कर दिया। बता दें कि अंबाला छावनी की टिम्बर मार्केट में लगभग 11 बजे लकड़ी के गोदाम में आस पड़ोस के लोगों ने आग देखी तो तुरंत दमकल विभाग को फोन करके आग की सूचना दी गई। आग इतनी भीषण थी कि दमकल विभाग की 7 से 8 गाड़ियां 2 घंटे बाद तक भी आग पर काबू नहीं पा सकी थी। वहीं शहर के बीचों बीच आग लगने की सूचना मिलते ही प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने हालातों का जायजा लिया। हालांकि लकड़ी के गोदाम में आग लगने के कारण का कोई पता नहीं लग सका है, लेकिन गोदाम के मालिक ने बताया कि घटना में उसका लाखों का नुकसान हो गया। वहीं लोगों ने देरी से दमकल विभाग की गाड़ी पहुंचने के लिए विभाग पर आरोप लगाए हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह भयंकर नजारा अंबाला छावनी की उस टिम्बर मार्केट का है, जहां देर रात एक लकड़ी के गोदाम में आग ने जमकर कहर बरपाया और देखते ही लकड़ी के पूरे गोदाम को जलाकर खाक कर दिया। लकड़ी के गोदाम में लगी आग इतनी भीषण थी कि आसपास के इलाके में भी अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयंकर थी। लकड़ी के गोदाम में आग किन कारणों से लगी, इस बात का अभी खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन गोदाम के मालिक सुरेश की माने तो शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह हो सकती है। गोदाम मालिक ने बताया कि भयंकर आग की वजह से उसका लाखों का नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, उसने बताया कि दमकल विभाग को जब फोन किया गया तो दमकल विभाग का एक ही ड्राइवर अलग अलग गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचा, जिसकी वजह से आग पर काबू पाने में देरी हुई। वहीं आग की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और दमकल विभाग के साथ आग पर काबू पाने के प्रयासों में जुट गई। SHO विजय कुमार ने बताया कि अभी तक 7 से 8 दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। गृह मंत्री अनिल विज ने मौके पर पहुंचने के बाद मौके पर कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी हालातों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इसी बीच हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवारा भी मौके पर पहुंची और उन्होंने भी हालातों का जायजा लिया। ऐसा है कि हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट से लगी हो। एक बार पहले भी केबल की तार जा रही थी, उसमें करंट आने से साथ वाली बिल्डिंग में आग लग गई थी, लेकिन जैसे ही मैसेज मिला हमें, हम सब लोग दौड़कर यहाँ आ गए, लेकिन दूर से देखा आग की जो हालत थी वो पूरे इस फैक्ट्री में लगी हुई थी। और जैसे ही हम आए, उसके काफ़ी देर के बाद एक गाड़ी आई और जितना पानी वो डाल सकती थी उसने डाला, क्योंकि एक ही थी, और उसके 1 घंटे के बाद अब ये गाड़ी आई है। और जहां लकड़ी का इतना बड़ा काम और टिम्बर मार्केट हो, और सबसे हैरानगी की बात है, न जाने कितनी गाड़ियां, लेकिन ड्राइवर एक है, क्योंकि वो बहुत देर के बाद एक गाड़ी दूसरी लेकर आया और ये दूसरी गाड़ी जो खाली होगी थी यहाँ खड़ी रही लगभग 50 या 55 मिनट। आखिर मुझे कहना पड़ा कि मैं अच्छी गाड़ी चला लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ट्रक भी रहा, मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ। अब ये गाड़ियाँ आई हैं, लेकिन जहाँ तक सवाल है आग का, हमारा ये कारखाना तो बिल्कुल जीरो हो गया, लेकिन अभी यह है कि जो साथ लगते हुए मकान है, पीछे एक बहुत बड़ा कारोबार है जो पॉलिथीन, और फैमिली हमारी आ रहे के जो नौकर है वो यहाँ रहते हैं, वो सब निकाल लिए गए हैं। अभी बाद में पता लगेगा सारी कहानी का। फायर ब्रिगेड को कितने बजे फोन किया गया और कितने बजे? हमारे आने से पहले फोन किया, क्योंकि हम तो दौड़े आए थे। ये नितिन भाटी, एक हमारी पूरी फैक्ट्री है, ये आरा मशीन है, इसमें 2-3 मशीनें लगी है। अब ये लाखों रुपए का, अभी 3 मशीनें है यहाँ पर, और सारा लकड़ी का ये गोडाउन पूरा भरा हुआ था, ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटर। अभी अंदाजा तो बाद में लगाया जाएगा। देखिए, हमें आगे लगने की सूचना मिली थी, तुरंत सूचना पर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और अभी हम इसको कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। आपको सारी जानकारी जुड़ा के बता दी जाएगी। अभी 7 से 8 गाड़ियाँ आ चुकी हैं और इतनी गाड़ियाँ और भी आ रही हैं, स्थिति कंट्रोल में। नहीं, हमने देखो फायर को कंट्रोल किया था, उन्होंने सारी गाड़ियाँ हमें प्रोवाइड कराई है। कौन गाड़ी कहाँ से है, ज़्यादा बेहतर वही बता पाएंगे आपको। हाँ जी, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा एक आरा मिल था और हमारे साथी हैं, उनसे जुड़े हुए हैं,
और यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत ही हमारे परिवार के बंदे साथी सभी इकट्ठे हुए यहाँ पे। बहुत बड़ा गुडाउन है, यहाँ से लेके पीछे तक प्रॉपर्टी जा रही है और सारे में आग लग गई है। यहाँ पे अभी ऐसा शक है कि बिल्डिंग को भी नुकसान कंप्लीट हो सकता है, आसपास की बिल्डिंग्स को। बगल में एक मस्जिद थी, पीछे रेजिडेंशियल एरिया है, ये लगभग 10 फुट 20 फुट की दूरी पर बाकी घर हैं। अभी थैंकफुली थोड़ा बहुत कंटेन हो गया, लेकिन जो आग इतनी फैल गई, जो यहाँ पहुँचने पर सुनने पर पता चल रहा है कि दमकल की जो गाड़ी थी जो पहली आई, उसमें एक ड्राइवर था, उसमें पानी बहुत कम था। जब वो दूसरी गाड़ी वगैरह लेने पीछे गया है तो उसमें जो एक शब्द सबके मुंह से यहाँ निकल रहा है कि बहुत ज़्यादा देर उसमें लग गई। और इनफैक्ट जिनका ये गोडाउन, उनका बेटा खुद दमकल की गाड़ी अपने हाथ में चला के लाया है, दूसरा ड्राइवर ही नहीं था। तो आप समझिए कि जिसके घर में आग लगी है वो खुद जाके फायर ब्रिगेड की गाड़ी चला के लाया है। तो अभी भी हम आशा कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी एफर्ट्स हैं, पहला फोकस यही है कि भगवान की दया से किसी की जान नहीं हमने खोई इस एक्सीडेंट में। और अब यही है कि अभी लग तो रहा है कि यहाँ कंप्लीट नुकसान हो चुका है, दो आ रहा है अंदर चले तो जो बता रहे हैं अभी यहाँ पे परिवार। तो लेट्स होप एंड आई होप इसको जल्द से जल्द रोक लें। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।